रीवा कमिश्नर ने जनपद कार्यालय और बीआरसी कार्यालय जवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनपद कार्यालय में निर्माण शाखा, प्रधानमंत्री आवास शाखा, स्थापना शाखा, भंडार तथा कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने कार्यालय की व्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीईओ को कड़ी फटकार लगाई। कमिश्नर भार्गव ने कहा कि जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक है। यह ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। उन्होंने ये कहा कि आवास योजनाओं की 100% लक्ष्य पूर्ति करें, गरीब तथा कमजोर वर्ग को विकास की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दें, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा से निर्माण कार्य शुरू कराएं, जिससे स्थानीय मजदूरों तथा प्रवासी मजदूरों को रोजगार का अवसर मिल सके। आज मैं दौरे पे इसलिए आया हूँ कि एक तो हमारा अतरेला में जो है एक पॉजिटिव केस मिला है, तो कंटेनमेंट एरिया उसको बनाया है, तो वहाँ पर व्यवस्थाएँ जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो मार्गदर्शिका है उसके अनुरूप है या नहीं वो देखा मैंने। दूसरा, हमारे जो गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया चल रही है तो वो सेंटर भी मैंने देखे, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं और सब लोग अपना मास्क का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं उन सबका मैंने वहाँ पर अवलोकन किया। कंटेनमेंट एरिया में समझाइश इस बात की दी गई कि कंटेनमेंट एरिया चूँकि बन गया है, अंदर के लोग बाहर और बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अंदर जितने लोग हैं वे आपस में जो एक सुरक्षित शारीरिक दूरी है वो बनाकर रखें, तो वे एक दूसरे से मिले जुले नहीं बिल्कुल, और जो लॉकडाउन के नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। जो हमारे बुजुर्ग हैं, गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उन सबको अपने घरों में रहना है, वे घरों से बाहर नहीं निकलें। और सब लोगों से ये भी अनुरोध है कि वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड कर दें ताकि वो आपकी सुरक्षा कवच का काम करे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।